गुड इवनिंग मीडिया फ्रेंड्स, मुझे आज फिर से ये आपका प्रेस ब्रीफिंग में आना पड़ गया है। कुछ दिन पहले मैंने हमारा DCM साहब का APST स्टेटस के ऊपर में मैंने कुछ बात किया था, तो उसमें बहुत लोग ने ट्रोल किया, बहुत लोगों ने हमको पर्सनली भी कहा कि आप हमारा DCM को बदनाम कर रहे हैं, आप डिफेम कर रहे हैं उसको। और बहुत लोग ने तो कहा कि कुछ नमसाई चौखम का आदमी ने ये भी कहा कि हमारा खमती आदमी को क्यों बदनाम करता है, ऐसे करके बहुत लोगों ने सवाल किया मुझे बोला गया। तो मैं इन लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि जौना साहब, हमारा DCM साहब, वो खमती सिर्फ नहीं है, वो सिर्फ नमसाई का नहीं है, वो सिर्फ चौखम का नहीं है, वो हमारे अरुणाचल का एक बहुत बड़ा हस्ती है। वो हमारे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, उससे पहले भी बहुत वो हमारे कैबिनेट पोस्ट लेके बैठा हुआ है। तो उस पर सवाल करना ये हम लोग सबका, हर अरुणाचली का हक होता है। जब भी कुछ सब हम लोग का बीच है, कुछ उसका ऊपर गलत दिखाई देगा तो वो हमारा प्रॉपर्टी है। वो उसका हर चीज़, उसका बदन, उसका दिमाग, उसका सोच, उसका बोलना, सब हमारा पब्लिक का ही, उसका हम लोग मैंने हक बनता है उसका ऊपर। तो ये कभी भी मेरा खमती, मेरा मिसमी, मेरा नीची, मेरा आदि ये सवाल ना करें। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि 25 सालों से ये लोग कॉन्टेस्ट कर रहे, MLA बन के, मिनिस्टर बन के आ रहे, क्यों सवाल नहीं किया हमको। बहुत उन्हें पूछा है आप 25 साल पहले क्यों नहीं किया। तो मैंने कहा हूँ कि 25 साल पहले देखिए, हम ना ही वो लोग का अगेंस्ट में कभी इलेक्शन लड़ा था, क्योंकि हमेशा वो लोग का कभी वर्कर बन के कभी काम किया था, उसका भैया चौटेवा का साथ भी, चौना का साथ भी, तो उस वक्त तो मालूम था। लेकिन पहली बार हमने 2019 में जब चुनाव लड़ा, तो एक जाहिर सा बात यह होता है कि जब भी हम लोग राइवल होता है, आपस में वीकनेस ढूंढने लगता है। जैसे उसने भी हमको धोना, मैंने भी उसको धोना, तो काफ़ी चीज़ ऐसे होते रहता है, क्योंकि आपस में आपका स्क्रूटिनी में वगैरह में हम डाउन कराने के लिए आपस का वीकनेस हम लोग ढूंढते हैं, वो जो भी राइवल हो। तो उसी तरह मुझे उसका ST के ऊपर में काफ़ी डाउट था, क्योंकि उसका 2 ST हमको मिला है। और 2 ST के बाद मैं जो अभी आज मैं कुछ एविडेंस और प्रूफ्स आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये एविडेंस दिखाने के बाद, ये प्रूफ दिखाने के बाद, मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग हमसे सवाल नहीं करके DCM से सवाल करें, सिस्टम से सवाल करें। और सबसे पहले तो हमारा एक तो भाई है नोने तायंग भाई, उसने तो मतलब हद से बढ़ के ही मुझे कंडेम कर दिया है। तो उसका भाई का जो कंडेम करना, उसको मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि वो छोटा भाई है हमारे, उसका पास नॉलेज नहीं है, कभी कॉलेज गया नहीं बेचारा, तो शायद जो उसको लगता है वही सही लगता होगा। मैंने काफ़ी रिसर्च किया, 2-3 साल से रिसर्च कर रहा हूँ हम DCM साहब के ऊपर में। तो मेरा भाई ने काफ़ी मेरे ऊपर बोला, मैं बिल्कुल भी उसको माइंड नहीं करता हूँ। बहुत लोगों ने उसका ऊपर रॉन्ग कमेंट दिया, जब हमारा नूने भाई बोल रहे थे, बहुत लोगों ने उसको मैंने गलत कमेंट किया है, कथा चोर, क्या चोर। तो मैं उल्टा मना किया हूँ, ऐसे मत करो, वो भी एक हमारा मिसमी लीडर है, मिसमी आदमी है, प्लस हम लोग अरुणाचल में भी उसका अच्छा पहचान है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन लोगों आजकल तो फेसबुक में तो बहुत तरह का ट्रोल हो जाता है, उसमें हम 2 दिन आदमी को मना भी किया हूँ, कुछ अलग आप लोग कंस्ट्रक्टिव आप लोग मैंने वो अगेंस्ट कीजिए, कंस्ट्रक्टिव आप लोग एलिगेशन लगाइए, अपोजिशन कीजिए, इस तरह का पर्सनल में अटैक मत कीजिए, बल्कि हमने काफ़ी लोगों को रिक्वेस्ट भी किया हूँ। अभी 2 ST जब मिलता है, 2 ST को मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोग को, DCM साहब का एक ST मिलता है 1989 में, 1989 में वो आप तेजू से मिलता है, वो ये कॉपी है, ये है हाँ। उसके बाद फिर आपका नमसाई से मिलता है, नमसाई से भी एक ST मिलता है 2019 को। तो वो चीज़ को मैंने फिर हम सोचा कि 2 ST हुआ है तो फिर अलग अलग क्यों हो सकता है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाना जरूरी समझा हूँ। ये है नमसाई से मिला वाला ST। और उसके बाद आप लोगों को मैं, एक आसाम का कोई मेरा दोस्त हुआ करता है, उसने हमको एडवाइस दिया कि आप प्लीज़ काइंडली DCM का ऊपर में हमको एडवाइस दिया कि डिगबॉय में थोड़ा जाइए, डिब्रुगढ़ जाइए, सदिया जाइए, और आपका नारायणपुर जाइए, और उसके बाद नॉर्थ लखीमपुर और एक सोनोवाल गांव, वहां हमको इंक्वायरी करने के लिए हमको कहीं से बोला है। तो मैंने अकॉर्डिंगली वहां मैंने इंक्वायरी किया और मैंने कुछ पाया हूं। तो इन सब जगह में मैंने ये सब में चक्कर मारने में हमको 2 साल लग गया। ये 2 साल के दौरान जो मुझे मिला है उसका पिताजी का नाम चौपक गवाई है,
चौपक साहब का जो असम में उसका हाउस नंबर है, उसका घर वहाँ में दिखाता है। मैं हाउस नंबर को दिखाता हूँ आप लोग को। ये है हाउस नंबर, हाउस नंबर 80 है और उसका सेल नंबर है 21। ये मिलता है मुझे असम से, एक जगह से। उसके बाद उसका उसका पिताजी का नाम चारथो है। मैं वो भी दिखाता हूँ। तो मैं चारथो नाम जब हुआ तो मैं अथॉरिटी से मैंने सवाल किया हूँ कि शायद इसका ऊपर में कोई एसटी पहले इशू हुआ करता होगा। तो मैंने अथॉरिटी से पूछा तो उसने कहा कि इसका नाम में कोई एसटी अभी तक हम लोग ने इशू नहीं किया। तो इसका ये कॉपी है, इसमें देख उसका पिताजी का नाम है चारथो है। पहला नाम है आपका चौपक गोहाएं, फिर नाम है चौपक मीन, फिर है चौपुक गोहाएं और एक तो है चौपुक मीन एडोरेट गोहाएं, चौपुक गोहाएं एडोरेट मीन, ऐसे करके चार नाम है। तो मैंने अथॉरिटी से मांगा हो कि इसका पिताजी का शायद एसटी हो सकता है, तो इसलिए इन लोग चारों का नाम में कोई भी अगर एसटी होता है तो मुझे दीजिए। तो अथॉरिटी ने कहा है कि इन लोग का इस चारों का नाम में कोई एसटी इशू नहीं हुआ है। तो ये कॉपी आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद मैंने मिला हूँ चौपक, हमने तो सुना है, कहानी सुना है, लोगों से सुना है कि चौपक गोहाएं का पिताजी का नाम चौसाली गोहाएं बगैर सुना हमने। लेकिन एक डॉक्यूमेंट्स फिर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ एक डॉक्यूमेंट्स। सब लोग कहते हैं कभी खमती हमारा खमती ब्रदर्स का जो भी बुजुर्ग है वो लोग कहता है, मिसमी का भी जो भी आदमी लोग का जो बुजुर्ग है वो लोग कहता है कि चौपक का पिताजी का नाम चौसाली है, यानी कि डीसीएम साहब का जो दादा फादर्स फादर मैंने ग्रैंडफादर उसका नाम है चौसाली, यहाँ सुनता हूँ। लेकिन यहाँ में फिर हम असम से एक ठो हमको डॉक्यूमेंट मिलता है, इसका पिताजी का नाम है चौपक का पिताजी का नाम है महेश्वर, ये महेश्वर है उसका फादर्स का नाम। तो पता नहीं अभी देखिए, फिर हम ये बोलने का बात, मैं जानता हूँ ऑडियंस लोग कोई भी व्यूवर्स लोग मुझे गाली मत दीजिए, बल्कि डॉक्यूमेंट्स को आप लोग लगने से गाली दीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स मैं नहीं बताऊँ, मैं खुद बनाता नहीं हूँ, ये असम गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, प्रॉपर शील है, एफिडेविट है। यहाँ में उसका पिताजी का नाम उसका नाम है चौपक गोहाएं, फादर्स महेश्वर। तो सवाल हमसे नहीं, डीसीएम से कीजिए आप लोग, क्योंकि मीडिया वालों का मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको थोड़ा कवरेज करना है एग्जैक्टली क्या चीज़ है। तो एक हम अरुणाचल का नागरिक हूँ, एक हिंदुस्तानी हूँ, तो मेरा जो लीडर है उसके बारे में जानना मेरा बिल्कुल हक है। और एक तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, हमारा चौपक गोहाएं का तीन बेटा असम में, हमने जब 5-6 जगह जब मैंने सर्च किया हूँ वहाँ मैंने पाया हूँ, देखिए ये तीन बेटा, एक सुजीत गोहाएं है असम में, लेकिन अरुणाचल में वो बन जाता है चौजीत गोहाएं, इसका भी डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, ये है चौजीत गोहाएं। चाऊ जो है एक्चुअली खमती में हम लोग मैंने जो मेल जेंडर है उसको चाऊ कहते हैं और फीमेल जेंडर को हम लोग क्या कहते हैं, नंग कहते हैं। तो सुजीत से चौजीत है, सुजीत का भी रिकॉर्ड है और ये अरुणाचल का डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर सील है, प्रॉपर अथॉरिटी का साइन है, उसमें चौजीत है और पहले का नाम असम में सुजीत है। तो उसी तरह ठीक उसी तरह हमारा डीसीएम का नाम है, डीसीएम का नाम असम में मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को, डीसीएम का नाम है टोना गोहाएं। मैं खुद नहीं बना रहा हूँ, यहाँ डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा मैं आप लोग को, यहाँ पे ये असमिस में लिखा हुआ है, प्रॉपर सील है एकदम, ये ऑथेंटिक पेपर है। डीसीएम साहब का नाम असम में टोना गोहाएं है, अरुणाचल में आके वो चौना गोहाएं चौना मीन हो जाता है। फिर उसके बाद उसका एक भैया है असम में, उसका नाम है शीतोया गोहाएं, लेकिन यहाँ आगे बनता है चौतेवा मीन। तो ये देखो हमने नहीं बनाया, हमको डॉक्यूमेंट्स मिला है तो हम सवाल करने के लिए बनता है। तो ठीक है, अभी जैसे कि 1950 में जब सदिया जो है 1951 में जब सदिया जो है असम चला गया, उस वक्त बहुत हमारा खमती ब्रदर्स लोग सदिया से यहाँ आ गया, वो लोग एसटी बन गया, बनना भी है, वो लोग का नाम भी उस वक्त रह गया था होगा, अभी भी मिलता है नाम तो, लेकिन वो लोग का नाम ऐसे बदला हुआ नहीं है, वो लोग का बाप का नाम भी ऐसे 3-4 किस्म नहीं है। तो इसका क्या चक्कर है हमको भी मालूम नहीं, आप लोग मीडिया को सवाल करना पड़ेगा, आप लोग भी सवाल करना पड़ेगा और सिस्टम से सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हमारा खमती ब्रदर्स लोग सदिया में थे, जब हम लोग का असम का फुल फ्लेज स्टेटहुड मिलता है तब सदिया असम का, क्योंकि पहले असम से गवर्न करता था हम लोग का स्टेट को, बाद में जब एक
अलग अलग हो जाता है, तो हमारा खमदी ब्रदर्स लोग इधर आ जाता है। वो लोग क्योंकि पहले वो लोग पांगसाओ पास से आया, वहाँ विजयनगर से आ करके यहाँ तक बैठा है, बैठ के आसाम तक लखीमपुर तक पहुँचा है। अभी भी आसाम में भी खमती है, गुड नंबर्स में भी है, वो लोग अच्छा मतलब वहाँ का फैसिलिटीज इंजॉय कर रहे हैं। तो हमारा डी सी एम साहब का वहीं हम लोग को बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि वो एग्जैक्टली क्या है, उसका इतना सारा मैंने पिताजी का नाम होना, उसके ग्रैंडफादर का नाम होना, उसका नाम बदल के वहाँ रहना, इधर अलग नाम वहाँ अलग नाम, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये दाता पूछ रहा है। दाता आपको हमको बता रहा है, आपको बता रहा है, फिर हमको कुछ भी हम सबसे मैं फेसबुक में हो या कहीं सोशल मीडिया में हो, मुझे ट्रोल ना करें। आप लोग बस इतना ही ध्यान दीजिए कि ये गलत को आप लोग डी सी एम साहब से पूछिए, सिस्टम से पूछिए एग्जैक्टली क्या है, हमें तो मालूम नहीं है। क्योंकि अरुणाचल एक ऐसा स्टेट है, जब से ब्रिटिश आया तब से हमको एक ट्राइबल, बल्कि हम लोग जब 1873 में जब ब्रिटिश जब पहुंचा है, तो हम लोग ये हिल ट्रैक में जो पहले नेप था उसको फिर नेफा बना, उसमें हम लोग का जो आदमी है वो अलग ही स्टाइल का था, ना आसाम से मिलता था, ना बंगाली से, ना बिहारी से। हाँ, तो ऐसे करके बहुत लोग जैसे हम लोग को, इसलिए हम लोग को मैंने बेफार बना के दिया कि यहाँ के लोग को आदमी लोग नहीं घुसना है धमाधम, इसलिए ILP सिस्टम बना करके 1873 में, और ऑफिशियल गवर्नेंस जो है 1914 से शुरू होता है, क्योंकि ब्रिटिश ने सोचा कि यहाँ में अगर कोई बाहर का आदमी जाएगा तो शायद ये लोग का कल्चर, ये लोग का आइडेंटिटी पर डिस्टर्ब होगा, इसलिए हम लोग को, हम लोग का प्रोटेक्शन के लिए वो लोग ने ऐसे BFR बना के पास सिस्टम बना के गया। और जो भी APST अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो है, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रैक ऑफ लैंड में जो एबोरिजिनल्स है, इसको कहते हैं एबोरिजिनल्स। इसका मतलब ये होता है कि जिसका फॉरफादर्स, जिसका ग्रैंडफादर्स इस जगह में जन्म हुआ हो, इस जगह से वो जुड़ा हुआ हो, उसी को ही APST दिया जाता है। क्योंकि हिंदुस्तान का अलग स्टेट का भी ट्राइबल लोग यहाँ ट्राइबल स्टेटस नहीं मिलता है, यहाँ में सिर्फ और सिर्फ एबोरिजिनल को दिया जाता है। इसका साथ साथ मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ कि देखिए रॉक मास स्ट्रेंथ सॉइल टाइप, वो इतना बड़ा एक्सट्रैक्शन करने के लिए अलाउड शायद मैंने वो फेवरेबल नहीं होगा, तो इसको मैंने हम लोग किसी एक दो आदमी का फ़ायदा के लिए इतना बड़ा हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहिए। और अभी आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अरुणाचल में एक स्पेसिस मिलता है, इसको कहते हैं खैर एक तो स्पेसिस है, एक लकड़ी का नाम है। अरुणाचल में, इंडिया में सिर्फ अरुणाचल में मिलता है, अरुणाचल के अंदर में सिर्फ लोहित में मिलता है, लोहित के अंदर में सिर्फ तेजू में मिलता है। वो खैर जो है अभी सुनने में आया है कि मैंने विदाउट वर्किंग प्लान जो है पहले बहुत ब्लैक में चला आया था, आलूबड़ी में हमारा साहब चौथीवा साहब का अंदर में एक मैंने इलीगल मिल था शायद वो कथा को, तो हम लोग का तेजू में जितना कथा है वो शायद वहाँ लोग कहते हैं कि वहाँ बहुत कंज्यूम कर लिया गया, तो बाद में कहीं कहीं से कंप्लेंट पहुँच गया, तो वहाँ में इंडस्ट्रियल एरिया चौखम में लेके गया। तो कथा को भी विदाउट वर्किंग प्लान सरकार ने इतना 2-3 लाइसेंस दे दिया, जब गवर्नमेंट को वर्किंग प्लान अच्छा से नहीं देगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलेगा, तो किसी इंडिविजुअल फ़ायदा के लिए इस तरह का लाइसेंस एक्चुअली नहीं देना चाहिए। तो कथा को भी हम थोड़ा इसको ध्यान दें, और ये कथा काम भी डी सी एम साहब अपना लाइसेंस के अंदर में शायद वो काम कर रहे हैं। और एक छोटा सा बात है, मैदू में एक मैंने आपका पब्लिक का टी गार्डन है, पब्लिक और एक अरुणाचल फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, ये गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट और पब्लिक मिल करके एक चाय बागान खोला गया था पहले ज़माने में, अभी 20-30 साल पहले। तो उसमें जो फ़ायदा है पब्लिक को 50% एंड गवर्नमेंट को 50%, तो वो चाय बागान को भी डी सी एम साहब ने लेके रखा है, सटी टी इंडस्ट्री, उसका तो प्रूफ देने का जरूरत नहीं, शायद आप लोगों को मिल ही जाएगा, कहीं सब लोग जानता ही है। तो मैं डी सी एम साहब से ये कहना चाहता हूँ कि ये सब इतना आप खाली बिजनेस करोगे, दूसरा लोग क्या करेगा? अगर आप चाहते तो लोकल एंटरप्रेन्योर्स है वहाँ में, मैदू वाक्रो चौखम हमारा खमती ब्रदर्स लोग भी, मिसमी ब्रदर्स लोग, उन लोगों को उठाइए। सिर्फ आप अकेला ही बिजनेस करना है, मिट्टी भी आपको अकेला चाहिए, तो हम तो एक ही बोलूँगा कि जितना भी खमती ब्रदर्स है, मिसमी ब्रदर्स, सिंगपुर ब्रदर्स आदि ब्रदर्स लोग को सबको जहर पिला के मरवा दो, अकेला बिजनेस कीजिए, आप अकेला आप बैठिए, मिट्टी भी ले लीजिए, हम लोग तो क्या करेंगे तब। और मैं आप लोग को फिर आज आपका चैनल के माध्यम से फिर मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि डी सी एम साहब, देखिए हम पहले भी बोल चुका हूँ उसको, जाति में कास्ट कृत में आप लोग गिनती मत कीजिए। जब से डी सी एम साहब ने हम लोग का खमती ब्रदर्स लोग का एरिया में वो जब गवर्नेंस किया, लोकल इन्हेबिटेंट्स को वहाँ खमती ब्रदर्स जो इंडिजिनस है
उन लोग को कभी इंकरेज नहीं किया, उसने हमेशा इलीगल इमिग्रेंट्स को हमेशा साथ दिया है। अभी हम लोग का हम आप लोग बहुत लोग अभी जाके देख सकता है जो असली खमती लोग है बहुत डिप्राइव है, हालत ख़राब है वो लोग का, ना बिजनेस है ना वो लोग बस ढंग का, वो लोग का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत पोर है। तो ऐसे करके अभी हम लोग का जो नाइबरिंग स्टेट्स है इलीगल माइग्रेंट्स को दमदम को साथ दिया जा रहा है। नमसाई एक अभी पेंडोराक्स बॉक्स बन चुका है, एक दिन सोशल इशू वहाँ उठेगा, क्योंकि आज नमसाई का जो भी लीडर बनता है, नमसाई का अंदर में जो भी लीडर बनता है वो लोग लोकल का ग्राइवेंसेस को कम सुन के नॉन लोकल का सुनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ नेता का गलती नहीं है, नॉन लोकल 80% आ गया और लोकल ओनली 10% मान लीजिए। तो ऐसा हाल बना के रखा है नमसाई को। तो ये हम लोग सब खमती मिसमी सब मिल के सारा नीचे गालो आदि मिल के इसको हम लोग टैक्टफुली काम करना पड़ेगा, क्योंकि नेता लोग का हाथों से हम लोग का समाज को हम लोग नहीं सौंप सकते, इस पर हम लोग सवाल करना होगा। और मैं तो हमेशा जब एक समय में आतंकवादियों ने ये इशू उठाया था हम तो हमेशा खुद भाग के उन लोग को साथ दिया। ये IGG कॉलेज ग्राउंड में आतंकवादियों प्रेसिडेंट और JS लोग आया था, मीटिंग किया था, क्योंकि नमसाई जो है एक बहुत बड़ा गेटवे होने जा रहा है बाहर का आदमी के लिए। तो हम लोग ने बहुत साथ दिया आतंकवादियों को, हम लोग आगे पीछे रहेंगे एक्टिविटीज करो। अभी देखिए फॉरेस्ट का केस में हम फिर मैं बोलना चाहता हूँ, डीसीएम साहब का बिल्डिंग जो है अभी नया बनाया है वो आपका नमसाई रिजर्व में है, वो भी मैं ब्लाइंडली नहीं बोल रहा हूँ, ये अथॉरिटी ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ही दिया हुआ है। हाँ, उसका घर जो है वो फॉरेस्ट लुक ने खोकनबाड़ी बना के रखा था, वो अभी हम ये अरुणाचल में फॉरेस्ट बिल्कुल काम का नहीं। फिर लोग कहेंगे कि सब लोग रिजर्व में है, वो भी गाँव वाला भी रिजर्व में है, गाँव वाला लोग बेचारा रिजर्व में एक दो थोड़ा थोड़ा इंक्रोच कर सकता है, लेकिन इतना बड़ा नेता जब रिजर्व इंक्रोच करता है तो वो एक्सटेंसिव स्केल में डैमेज करता है रिजर्व को। तो इसलिए एक रॉन्ग प्रेसिडेंट जाता है सोसाइटी में, लीडर्स लोग को हमेशा उल्टा गाँव वालों को अवेयर कराना है कि रिजर्व हम लोग के लिए है, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए रिजर्व को मेंटेन करना है रखना है। अभी नेता लोग ही ऐसे करेगा तो गलत बात होगा। इसलिए मैं अभी देखो करप्शन का चार्ज में मैं लगा रहा हूँ, उसके बाद बहुत कुछ चार्ज लगा रहा हूँ हमारे DCM साहब के ऊपर में, और वो हम लगने से CBI इंक्वायरी ED इंक्वायरी जो कहते हैं उसको भी मांग कर सकता हूँ। और अभी एक खास बात ये है कि जैसे कि कुछ आदि ग्रुप लोग हैं हमारा आदि ब्रदर्स लोग माबेरा में है, कहाँ नमलेंग में है, वो लोग को खमती ब्रदर्स लोग ने ही बुलाया, वो लोग को वहाँ रखा है पहले से। तो कुछ दिन पहले मैं शायद यहाँ बहुत गरीब है लोग, यहाँ मबेरा का आदि लोग बेचारा लोग को फ्लैट हुआ सुना है, फ्लैट हो गया घर द्वार ले गया, खेती खाने की जगह नहीं, थोड़ा रिजर्व में इंक्रोच किया तो थोड़ा सा इंक्रोच किया होगा ये लोग, वो लोगों पर बड़ा जोरदार एक्शन किया गया। तो ऐसे भी नहीं करना है, क्योंकि चौंखम नमसाई ये हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान हम लोग का अरुणाचल हिंदुस्तान में है, सबको भाई मिलके भाई भैया मिलके चल के हम लोग काम करना है। क्योंकि अगर आपने उसको दिया है रखा है तो उसका सर्वाइवल उसका वेलबींग के लिए भी आपका जिम्मेदार बनता है, इसलिए किसी को इतना आप लोग डिप्रेमेंट कराइए, वो लोग को सिर्फ मैंने गलत काम करने मत दीजिए, लेकिन थोड़ा अगर आदमी वो लोग भी तो बढ़ रहा होगा ना, तो जब फ्लैट आता है बेचारा लोग का वो लोग का घर डुबर ले जाता है तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली वो लोग थोड़ा फॉरेस्ट रिजर्व है थोड़ा सा वो उठाएगा। ये जब ये लोग थोड़ा सा इंक्रोच करता है तो हल्ला गुला करा देता है, DCM साहब इतना बड़ा जब आपका रिजर्व फॉरेस्ट को डैमेज करता है तो आप लोग यहाँ में कुछ नहीं उठाता है। अभी मोंगलांग विलेज में आप लोग जान के हैरान होगा, इम्फुम से एक रास्ता जाता है PM JSY रोड, एक्चुअली PM JSY रोड बनता है कुछ एक पॉपुलेशन क्राइटेरिया होता है कि कम से कम 500 घर होना चाहिए, या तो 250 या 300 गांव होना चाहिए घर होना चाहिए, उस घर में उस गांव में ही PM JSY रोड को लिया जा सकता है। लेकिन जो मोंगलांग का जो PM JSY रोड है वो मोंगलांग गांव तो ऊपर चला जाता है, हम एक बार जाके आया तो वहाँ में सिर्फ बागान में एंडिंग होता है, मैंने वो भी हमारा DCM साहब का बागान में, वहाँ में रबर गार्डन है उसका बहुत कुछ का वहाँ गार्डन है, तो मैंने वहाँ वीडियो शूट लिया GPS शूट लिया हूँ। तो ऐसे करके वो लोग वहाँ में इतना बड़ा मतलब इंडिविजुअल लैंड को कन्वर्ट किया है रिजर्व फॉरेस्ट में अकेला आदमी ने DCM साहब ने। और हमारा खमती ब्रदर्स लोग को ये भी जानना है कि जैसे कि गोल्डन पकौड़ा को बनाने से पहले इसका भी DCM साहब का इनिशिएटिव में उसको डी रिजर्व करने के लिए 28 हेक्टेयर का प्रपोजल रखा था, प्रपोजल अभी तक हुआ ही नहीं डी रिजर्व,
तो मंदिर बन गया। मंदिर बनने से मेरा अगेंस्ट नहीं है, लेकिन ये सिस्टम जो है क्या होगा, कल को एक लड़ वो आदमी, वो फलना भी, वो भी, वो भी, वो सब ये कॉपी करेगा, कॉपी करके रिजर्व को ख़त्म कर देगा ये लोग। तो कल को मेरा खमती ब्रदर्स जो अभी नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है, उन लोग के लिए मिट्टी कम होगा वहाँ में, आपका क्या नेचुरल कलामिटीज होगा, सॉइल इरोशन होगा, आपका बहुत कुछ, मैंने जब आपका रॉक मास स्ट्रेंग वीक हो जाता है तो बहुत कुछ, बहुत जगह से इरोशन होने का लग जाता है सॉइल जो है। तो ऐसे करके सॉइल का जो आपका फर्टिलिटी, सॉइल क्वालिटी घट जाता है और एक वो बैरन लैंड में एक दिन कन्वर्ट हो सकता है। तो उसको हमें इसको ध्यान देना एज ए एवियर सिटीजन। अच्छा, और इसके बाद आप लोग ने नोट किया होगा, लाथाओ से चौंखम आते वक्त ऑन द बोथ साइड ऑफ द हाईवे, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, उस वक्त टीक वुड का बहुत बड़ा प्लांटेशन हुआ करता था। टीक, टीक एक इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वो टिम्बर है। सुनने में आया है कि फॉरेस्ट लोग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद लोग उसको कटवा करके सींच करा के हमारा वहाँ आलूबरी मिल में पहुँचाया सुना है। तो ऐसा करके फॉरेस्ट लोग काम करते हैं, लेकिन मेरे पास प्रूफ तो नहीं है, लेकिन है वो जो कोई जानकारी भी है हमको बोला गया। अभी टीक वुड अब देखिए एक पीस दिखाई नहीं दे रहा है। तो इतना रैंडमली मैंने रिजर्व को इतना रैंडमली ओपनली इतना मतलब इतना इनडिस्क्रिमिनेट वे से हम लोग डैमेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ एक तो हम लोग के लिए, हम लोग का जो आने वाला कल के लिए कुछ रखना पड़ेगा। और उसके बाद मैं जब भी DCM साहब को मैं जब बाहर जाता है, मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि उसका टोल डायरी को हमेशा मेंटेन किया जाए, क्योंकि हम सुनने में आए कि वो टाइम टू टाइम बर्मा जाता है, उसका पैसा जो है सारा अरुणाचल में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, बर्मा जाता है, थाईलैंड जाता है, वहाँ भी शायद उसका बहुत बड़ा प्रॉपर्टीज़ होने का मैंने उम्मीद है। तो ऐसे चीज़ में थोड़ा देश का सिक्योरिटी का भी सवाल है, ये सब में ध्यान देना चाहिए, ध्यान दे के हम लोग अपना जो भी अगर वो जाता है तो उसको प्रॉपरली हम लोग उसको ध्यान में रख के, मैंने हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर थोड़ा नज़र रख करके अच्छा से रिकॉर्ड जाने जा सकता है। लेकिन अभी जैसे कि मैं उसका ऊपर करप्शन का चार्ज लगाता हूँ, करप्शन तो हैवी है ही वो तो अगर अभी छानबीन तो किया नहीं, लेकिन करने से मिल ही जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क्स वगैरह जो भी बोला हम सही है, सारा बिजनेस वो अकेला कर रहा है। हम लोग सिर्फ बात में तो क्या होगा, सारा गरीब लोग को मैं यहीं बोलूँगा DCM का घर चलो, वहीं सोते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं बैठते हैं, क्या करेगा, ना हम लोग के पास काम है, ना खेती है, ना माटी है, ना क्या है। तो ऐसे करके अब इसलिए देखिए चौंखम नमसाए, सबसे पहले चौंखम नमसाए एरिया से ही ड्रग वहाँ से शुरू हुआ। क्यों, यूथ को काम नहीं है, काम नहीं होगा तो जब आदमी इंगेज नहीं होता तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग वे में हम लोग मैंने एक नेगेटिव रास्ता चला जाता है। इसलिए काफ़ी यूथ लोग हम लोग नमसाए चौंखम में बर्बाद हो गया है। अभी भी समय है हम लोग को संभालना चाहिए सब मिलकर। मैं इतना ही कहकर थैंक यू। सर आपने अभी जो DCM का अगेंस्ट आपने कहा कि ST का स्टेटस को लेकर आप लगातार उनके ऊपर जो एक सवाल करते हैं, आपके पास जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सर वो आपने कहा है कि ऑथेंटिक है, तो आपने उसको कहाँ से हासिल किया है सर? मैंने वही आपको अभी कुछ देर पहले भी बोला, मैंने मुझे एक आसाम का मेरा फ्रेंड है वो काफ़ी कोऑपरेट किया है, 3-4 जगह ढूंढा हूँ, डिगबॉय, डिब्रूगढ़, नॉर्थ लखीमपुर, नारायणपुर, सदिया, सोनवाल गांव, ये 5-6 गांव में हमने 2 साल से मैंने ढूंढा और वहाँ का अथॉरिटी ने दिया है, जैसे कि डिप्टी कमिश्नर होता है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होता है, वो लोग ने दिया है, एकदम प्रॉपर है, कोई हमें डाउट करने का जगह ही नहीं। सर मेरा दूसरा सवाल रहेगा, जो डेवलपमेंट के बारे में आपने बताया था, चौखम टू वाकरो का जो रास्ता है सर, हाईवे बनने का बहुत दिनों से बात चल रहा है, लेकिन अभी तक भी हम देखते हैं कि बिल्कुल ही खराब स्थिति में है जो रोड है, इसके बारे में सर आप क्या बोलेंगे, क्योंकि आप वहीं के एक लोकल निवासी हैं और आपने वहां से कंटेस्ट भी किया है, तो रोड के बारे में आप खास करके क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? एक्चुअली रोड तो वहां जल्दी बनना चाहिए था, लेकिन अभी पब्लिक लोग DCM साहब का वहां 2-3 बार गया सुना है, तो अभी हम लोग तो देखो आम आदमी बन जाता है, जब चुनाव हार रहा है तो हम लोग का आवाज़ कोई सुनता ही नहीं। अगर DCM का जगह मैं होता तो मैं तो मिनटों में कर देना था, क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं है सब चीज़ में, उसको सिर्फ इंटरेस्ट है जहाँ बिल्डिंग होगा, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन में वो इंटरेस्ट है, क्योंकि हाईवे से उसको मिलने वाला नहीं है। अभी जैसे कि कुछ सालों से हम DCM साहब ने क्या चेंज किया है, अभी पहले तो उसका फार्म में करता था, उसका बेटा या उसका पोटा का फार्म में करता था, अभी दूसरा फार्म हायर करता है, लेकिन वो लोग एक तो अंदर से वो लोग तो कमीशन सिस्टम रख करके कोई 10% में देता है, कोई 20% दे करके काम तो DCM साहब कर रहा है, हमको डाउट है, और अगर इंक्वायरी करेगा वो भी प्रूफ मिल जाएगा, क्योंकि जो फार्म काम कर रहा है वो
ऑब्वियसली कैश पेमेंट तो फिर से किया होगा उस तरफ, वो सिस्टम है।